दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश ऑनर्स में तो आज मैं एक पोएट्री द एम्पर ऑफ आइसक्रीम बाय वॉलेस स्टीवन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो नए वीडियो के सबसे पहले जानने के लिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है वट इज़ द मेन कॉन्टेक्स्ट और थीम मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है तो आंसर है ए फ्यूनरल टेकिंग प्लेस इन ए पुअर कम्युनिटी आंसर क्या है ये ए फ्यूनरल टेकिंग प्लेस इन ए पुअर कम्युनिटी सेकेंड क्वेश्चन है द पोएम एम्पेयर ऑफ आइस क्रीम वॉज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन कहाँ से लिया गया है पोएम कहाँ से लिया गया है कौन से पोएट्री के कलेक्शन से तो आंसर है हारमोनियम आंसर है हारमोनियम थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर द पोएम वॉज पब्लिश्ड कौन से साल कविता पब्लिश्ड हुई है तो आंसर है 1923 आंसर है 1923 थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट इज मीन बाय कन तो इसका मतलब क्या है तो आंसर है लास्ट फुल और सेक्सुअली डिजा सेक्सुअली मोटिवेटेड दोनों ही हो सकते हैं एक तो लास्ट फुल है हो सकता है एक सेक्सुअली मोटिवेटेड भी हो सकता है तो पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज आइसक्रीम काट कम्पेयर टू इन द पोएम तो आंसर है द आइसक्रीम काट कॉम्पेय टू ए फ्लावर बेड किट्स चीज से आइसक्रीम पॉट का तुलना किया गया है तो आंसर है द आइसक्रीम पट कम्पेयर टू ए फ्लावर बेड ओके और सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फेनाटल्स तो इसका मतलब क्या है का मतलब है लूज गारमेंट ऑफ गर्ल विथ एम्ब्रॉयडरी एट द बॉटम आंसर क्या है लूज गारमेंट ऑफ गर्ल विथ एम्ब्रॉयडरी एट द बॉटम तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब मार देना और लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही